नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 9 फरवरी और शुक्रवार। राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश विदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पाकिस्तान में हो रहा है चुनाव, 120 सीटों की हुई घोषणा। या इमरान खान के समर्थक आगे, चुनाव आयोग ने नतीजों की घोषणा किए हैं। दरअसल पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग लगातार जारी है। मतदान आज सुबह तक आपको बता दें कि करीबन 120 सीटों पर इमरान खान के समर्थक आगे हैं। वोटिंग की गिनती के बीच रुझान आने लगे हैं। हालांकि आधिकारिक नतीजे शुक्रवार यानी आज 9 फरवरी तक ही आने की उम्मीद है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, जिन पर अब 120 सीटों पर इमरान खान के समर्थक आगे हैं। तो यह बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, नए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का अनुभवी विपक्ष को सीधा मैसेज। 13 सालों में नई सरकार के पहले बजट का सामने आया। कांग्रेस हारी, सबसे बड़ी घोषणा उन्हीं मुद्दों पर हुई है जहां पर कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं जुड़ी हुई हो। राजस्थान की नई सरकार का पहला और बजट अंतरिम आ गया है। बजट में खास क्या रहा है, इसे समझाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अखबारों में सपने वाले पन्नों और होर्डिंग की याद दिलाता हूं। याद कीजिए इनकी थीम गुलाबी रंग, उन पर घोषणाओं की गारंटी सरकार बदल गई। लेकिन आज भी ये गुलाबी रंग राजस्थान की आबो हवा में बह रहा है। गुलाबी रंग की साड़ी लपेटे राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी खुद नजर आई है, जैसे कांग्रेस का दिया कुमारी ने वो गुलाबी रंग याद दिला दिया हो। कलर याद ही आ गया, वैसे भी गुलाबी रंग हैप्पीनेस का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में राजस्थान की वित्त मंत्री ने सिर्फ पिंक साड़ी ही नहीं पहनी थी, बल्कि पिंक सब कुछ घोषणाएं भी की है। पिछली सरकार की तरह ही दमकम से घोषणाएं की गई है। कहने को अंतरिम बजट था, लेकिन युवाओं को नौकरी, बुजुर्गों को रोडवेज किराए में 50% की छूट दी गई है। कोई बात कर लेते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर। सरकार ने 10 दिन के लिए तबादलों से हटाई रोक। थर्ड ग्रेड टीचर्स के नहीं होंगे तबादले, बल्कि अनेक विभागों में हो सकते हैं तबादले। तबादलों पर लगी रोक को हटाने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए बेहद अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके 10 दिन के लिए तबादलों से बैन हटा दिया है। सभी विभाग निगम बोर्डों में अपनी जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों के तबादले 10 से 20 जनवरी के बीच कर सकेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग से जारी आदेश के मुताबिक पिछले साल 15 जनवरी से प्रदेश के सभी विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब सरकार ने बदल गई और बड़ी संख्या में ट्रांसफर होंगे। इसके साथ ही थर्ड ग्रेड टीचर्स के जो तबादले हैं वो नहीं किए जाएंगे। दरअसल इन आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अलग से ट्रांसफर नीति बनाई जाएगी। वही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, महिलाओं की बल्ले बल्ले। महिलाओं के लिए खुला रसोई का पिटारा, गुड़ और चीनी हुए सस्ते। दरअसल डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट 2024 और 25 पेश कर दिया है। डिप्टी सीएम वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में महिलाओं को काफी प्राथमिकता दी है। राजस्थान बजट 2024 और 25 महीनों में महिला वर्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने महिलाओं के लिए रसोई का पिटारा खोल दिया है, क्योंकि अब मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ ही रसोई में जो किराने का सामान है जैसे गुड़ और चीनी, यह भी सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा महिलाओं को कई और बड़ी सौगात मिले हैं। दरअसल महिला और बुजुर्गों की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया गया है। एक मिनट में हम समझेंगे कि आखिर सरकार ने अपने बजट में क्या किया, और आसान भाषा में भी समझेंगे। दरअसल 25 लाख परिवारों को नल से जल मिलेगा। अब दूर दराज के इलाकों में पानी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों की महिलाओं को इसका सीधा फायदा होने की उम्मीद है। करीबन 25 लाख परिवारों को सीधा नल से मिलेगा जल। वही 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का फैसला। चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स नहीं लगेंगे, यानी यह और भी सस्ती हो जाएंगी। प्रदेशवासियों को 300 यूनिट तक बिजली है वो निःशुल्क दी जाएगी। गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सरकार बॉन्ड देगी। बुजुर्गों के लिए रोडवेज बसों में आधा किराया माफ किया जाएगा। प्रदेश में 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियासती यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों की किराए में वर्तमान में दी जा रही 30% छूट को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। साथ ही लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें गरीब परिवार की बेटी को 1 लाख रुपए का बॉन्ड मिलेगा।
पीएम मातृवंदन योजना के तहत पहले परसों पर मिलने वाली राशि को सरकार ने बढ़ा दिया है, करीबन 1500 रुपए का इजाफा किया है। इस पर 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सरकार पर भार आएगा। हर ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। साथ ही आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अगले साल से आशा सहयोगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहायिका के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। लखपति दीदी योजना के तहत सरकार ने राजस्थान में लागू की है। इसके तहत 5 लाख से ज्यादा महिलाओं की आय को 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस लव मैरिज यानी प्रेमी युगलों को दे रही है प्रोटेक्शन। वैलेंटाइन वीक और प्रपोज डे के दिन आई बड़ी खबर, राजस्थान की प्रेमी युगलों यानी जो लव मैरिज करने चाहते हैं उनके लिए सरकार ने वैलेंटाइन वीक और प्रपोज डे के दिन बड़ी रात भरी खबर दी है। दरअसल भजनलाल सरकार की राजस्थान पुलिस ने अब उन प्रेमी युगलों को पुलिस प्रोटेक्शन देने का फैसला किया है, यानी सुरक्षा देगी। जो बालिग है और स्वेच्छा से विवाह करने को तैयार है तो पुलिस ने बकायदा इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर तक जारी कर दिया है। दरअसल राजस्थान पुलिस ने प्रेमी युगलों को पुलिस सुरक्षा देने का पूरा एक्शन प्लान लिया है। इसके लिए राज्य स्तर पर डीआईजी पुलिस श्वेता धनखड़ को नोडल अधिकारी का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा एडिशनल एसपी नविता खोकर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश स्तर के लिए जारी हुए निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में प्रत्येक जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी है वो नियुक्त किए गए हैं। इन सभी को मॉनिटरिंग का काम जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय से होगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। साथ ही पहले भी इस संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने जो अब आदेश जारी किया है इसमें उन प्रेमी युगलों यानी जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनको पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बजट में घोषणा हो कि 20 पेट्रोल और डीजल के दामों को लगा बड़ा झटका। आम जनता को खासा उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या फिर समीक्षा बैठक होंगी, लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा दिया कुमारी ने बम्पर घोषणा की, जिसके बारे में हम आपको बता दें कि राजस्थान बजट 2024 में आम जनता को क्या कुछ मिला। राजस्थान बजट 2024 की कुछ अहम बातों में पेट्रोल डीजल की बात सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई जोर ही नहीं दिया है। विधानसभा में दिया कुमारी ने बजट पेशी के दौरान गहलोत सरकार पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमें विरासत पर बहुत बड़ा कर्ज भार मिला है। पूर्व सरकार ने जल्दबाजी में योजनाएं लागू की। पूर्व सरकार के कुप्रबंधन से प्रदेश में बिजली संकट के साथ ही 5,79,000 करोड़ का कर्ज भार है। हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आज सीएम भजनलाल हनुमान बेनीवाल के गढ़ नागौर में जाएंगे, वीर तेजाजी के धोख लगाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज नागौर का दौरा है। मुख्यमंत्री शर्मा 9 फरवरी को मुंडवा के निकट तेजा स्थली के वार्षिक उत्सव में भाग लेने आएंगे। यहां पर आपको बता दें कि रामनिवास सांगला ने बताया कि भाजपा के गांव सोलो अभियान के तहत मुख्यमंत्री निकटवर्ती गोगेलाव में रात्रि विश्राम करेंगे तथा ग्रामीणों से मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 फरवरी को सुबह 10 बजे खरनाल पहुंचेंगे। वहां लोक देवता वीर तेजाजी के मंदिर में दर्शन करने के बाद वीर तेजाजी महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान के वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे। इसके साथ ही इधर हनुमान बेनीवाल ने सीएम भजनलाल को चेतावनी दे रखी है, कहे कि अगर नागौर आए तो विरोध देखना पड़ सकता है। वही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बुजुर्गों को इलाज में मिलेगी प्राथमिकता। राजस्थान के सभी जिला अस्पतालों में बनेगी जीरियाट्रिक्स यूनिट। प्रदेश के सभी अस्पतालों में अब बुजुर्गों यानी वृद्ध व्यक्तियों को उपचार के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वजह यह है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एडल्टली के तहत सभी अस्पतालों में वृद्ध व्यक्ति यानी अर्थात बुजुर्ग और महिला पुरुष के बुजुर्ग उपचार के लिए 10 बेड का जीरियाट्रिक्स यूनिट खोली जाएगी, जिसमें 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों को इलाज होगा। इसके लिए अलग से चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को लगाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि यूनिट के लिए अलग से नोडल अधिकारी के नंबर वार्ड में लगाए जाएंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर फौरन निदान किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी महीने तक प्रदेश में सभी अस्पतालों और बुजुर्गों को इसकी सुविधा मिलने लगेगी। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी। 3 सीटों के लिए चुनाव के नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू, 15 फरवरी तक होंगे आवेदन। राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भजनलाल ने सीएम अशोक गहलोत की एक और योजना का नाम बदला।
दरअसल राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही योजना का नाम बदलने का सिलसिला अभी तक जारी है। बजलाल सरकार ने गहलोत सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का नाम अब बदल दिया है। दिया कुमारी ने कहा कि चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है, जिसमें इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज भी अब शामिल होगा। इससे पहले उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम बदलकर सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया था। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बजट में बड़े ऐलान, किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं पर 125 रुपए का मिलेगा बोनस। दरअसल राजस्थान बजट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। बजट में यह बड़ा ऐलान किया गया है, अब सरकार ने किसानों को प्रति क्विंटल पर 125 रुपए का बोनस देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से 8 तक की समस्त छात्राओं और कक्षा 9 से 12वीं तक छात्राओं को 1,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 70 लाख छात्र छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा, सरकार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, RERC का बड़ा फैसला, डिस्कॉम के बिजली कनेक्शन की नेट मीटरिंग से जोड़ सकेंगे 1 मेगावाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट। दरअसल जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के बिजली कनेक्शन की नेट मीटरिंग से अब 1 मेगावाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट जुड़ सकेंगे। अब तक के 500 किलोवाट तक के कनेक्शन नेट मीटरिंग से जुड़ पाते थे, लेकिन सरकार ने अब सबसे बड़ी घोषणा की है, अब बड़े कनेक्शन सोलर प्लांट से ज्यादा बनी बिजली डिस्कॉम की ग्रिड में डाल सकते हैं और महीने में कभी भी उसको नेट मीटरिंग के जरिए ले सकते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को करीबन 2.71 रुपए प्रति यूनिट का पेमेंट भी इसका करना होगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, DG और ACB ने सभी सौखी प्रभारियों के लिए बैठक। DG ACB ने कहा वहां जाएं अधिकारी जहां पर जहां रिश्वत का चलता हो खेल। डीजी ACP ने सभी जिलों के सौखी प्रभारियों की ACP मुख्यालयों में समीक्षा मीटिंग ली है। इसी दौरान ADG ACP IG ACP सहित 37 जिलों के सौखी प्रभारी मौजूद रहे हैं और उन्होंने निर्देश दिया है कि अधिकारी डीजी ACP ने कहा वहां जाएं अधिकारी जहां पर जहां रिश्वत का चलता हो खेल। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए पर्सन बैंक जारी, सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब शिक्षा विभाग पासबुक की जगह पर्सन बैंक उपलब्ध करवाने जा रहा है। इसमें बोर्ड परीक्षा से पहले शेष बसे दिनों में इन पर्सन बैंकों के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षकों के मार्गदर्शन और सहायता से पाठ्य पुस्तक में से उत्तर खुद तैयार करेंगे। ये पैटर्न विद्यार्थियों में विषय की ठोस समझ विकसित करने के बाद मौलिक प्रकार से अपना जवाब देने की क्षमता और कौशल को बढ़ावा देगा। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में बजट डालेगा असर, राजस्थान में पहली बार अंतरिम बजट में सह बड़ी घोषणाएं और योजनाएं उनके राजनीतिक मायने भी। लोकसभा चुनाव सामने है और विधानसभा में राजस्थान सरकार ने अंतरिम बजट जो पेश कर दिया हो, अंतरिम बजट में लोकसभा चुनाव की आहट सुनी जा सकती है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सरकारों से तुलना करें तो राजस्थान में पहली बार अंतरिम बजट में इतनी घोषणाएं की गई है। बजरीलाल सरकार ने सह बड़ी योजनाओं के जरिए अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। राज्य सरकार का शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे विभागों में सरकारी भर्तियों में तेज गति लाने का प्रयास है। किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती, अब इस पर विभाग काम करेगा। भर्ती प्रक्रिया में अनुशासन और तेज गति लाने के लिए RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती कैलेंडर जारी करेगा। बेरोजगारी कम करने और युवाओं को निजी क्षेत्र में अवसर देने के लिए राज्य सरकार सभी संभाग मुख्यालयों में युवा साथी केंद्र खोलेगी। वहीं जिलों में रोजगार मेले भी भरे जाएंगे। महिलाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना लखपति दीदी मात्र वंदन योजना लागू की गई है, जिसमें महिलाओं को करीबन 10 लाख रुपए का था सीधा बेनिफिट मिलने वाला है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, CM अशोक गहलोत का बजट पर बड़ा बयान। बजट पर पूर्व CM गहलोत बोले, लेखा अनुदान ने मोदी की गारंटी की हवा निकाल दी। पूर्व CM अशोक गहलोत ने लेखा अनुदान और प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए लेखा अनुदान में प्रदेश के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं रखा गया है। पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप भी दिखाई दिए हैं। CM गहलोत ने कहा है कि BJP ने मोदी की हवा निकाल दी है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अब नहीं मिलेगा स्मार्ट कार्ड, मेल पर ही आएगा ड्राइविंग लाइसेंस। डीजल डॉकर को प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग अब वाहनों की RC और लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड जारी नहीं करेगा, इसके लिए बजट में घोषणा की गई है। लाइसेंस बनाने में लगने वाली फीस के दौरान 200 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते थे, लेकिन अब स्मार्ट कार्ड RC और लाइसेंस की जगह ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन मेल पर ही दिया जाएगा। वही प्रदेश की थी आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।